थैंक यू अल्लाह, मुझे लगता है मैं सही बोल रही हूँ, अगर गलत बोल रही हूँ तो प्लीज मुझे बताइएगा। होप विद इंशाल्लाह, कि आप कुछ भी उम्मीद कर रहे हो हमेशा अल्लाह इंशाल्लाह लगाना चाहिए। आपने सुना भी होगा बहुत से लोग कहते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि अल्लाह की मर्जी के हिसाब से आप कुछ भी उम्मीद कर रहे हो, कुछ भी चाहते हो लाइफ में, हमेशा ये लगाओ कि अल्लाह की मर्जी से, क्योंकि उसमें जो भी हम चाहते हैं वो हो सकता है हमारे लिए गलत हो, जिसमें अल्लाह की मर्जी शामिल होती है वो हमारे लिए अच्छा होता है। हमें हमेशा जो भी हम आने वाले टाइम के लिए सोच रहे हो, दुआ कर रहे हो, उम्मीद कर रहे हो, तो उसमें इंशाल्लाह लगाना चाहिए। ये इससे डस्टिंग नहीं होती रिजा, पहली बार देखा, यही इतना पड़ा है, धुल के बहुत सॉफ्ट हो जाता है रुई जैसा। अम्मी आप मत करो, कल से कर लेंगे हम लोग, ठीक है? डस्टिंग कपड़े से होएगी, सॉफ्ट तो हो गया ये, लेकिन कपड़ा फिर भी बेटर है रिजा, फिर धूल निशान भी बन जाते हैं। ये किचन के प्लेटफॉर्म के हैं। सो बेसिकली फ्रेंड्स, ये लोग आए थे ये कपड़े जमाने के लिए, जो शादी वाला सूटकेस था उसमें बहुत सारे अलग अलग कपड़े रखने थे, लेकिन अभी हमने कहा कल करना, हम थक गए। ये तो खैर अभी हमें ऐड के लिए आया था, हमने कहा अगर आप आज कपड़े। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का इंतजार है शोएब या फिर सबा की ब्लॉग की, क्योंकि आप सब लोग जानना चाहते हो कि बेबी का हेल्थ अपडेट क्या है, बेबी कैसे है। तो आप लोग और थोड़ी देर इंतजार करो, इंशाल्लाह कल तक शोएब कोई ना कोई अपडेट्स दे ही देगा सबके लिए। और एक इंटरव्यू में शूट के दौरान एक इंटरव्यू में शोएब ने बोला था कि बेबी को थोड़ा ब्रीथिंग इशू है, क्योंकि प्रीमेच्योर हुआ है बेबी, इसीलिए ऑक्सीजन चल सकता है बेबी का। इंशाल्लाह कुछ ही दिन में बेबी रिकवर कर लेंगे और जाएंगे बहुत ही अच्छे से, सब लोग बेबी का वेलकम करेंगे इंशाल्लाह। और अगर आप भी इब्राहिम फैमिली की फ़ैन हो तो बेबी के लिए बहुत सारे दुआएँ करो, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और देख